सड़क से संसद तक बीजेपी भ्रष्टाचार के आरोपों पर बचाव में जुटी हुई है। वहीं मोर्चा पार्टी के भीतर भी खुल गया है। बीजेपी के बुजुर्ग नेता शांता कुमार ने पार्टी अध्यक्ष को चिट्ठी लिखकर भ्रष्टाचार के मामलों पर सवाल खड़े किए हैं। आंतरिक लोकपाल नियुक्त करने की मांग भी उठा दी है। ने लिखा है, पत्र के एक एक शब्द के साथ मैं खड़ा हूं। कहा है वो कहा है, कहे हुए एक एक शब्द के साथ खड़ा हूं। बीजेपी के बुजुर्गवार नेता शांता कुमार की भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे बीजेपी के मंत्रियों मुख्यमंत्रियों पर लिखी चिट्ठी मीडिया में लीक क्या हुई कि अंदर से बाहर तक पार्टी में खलबली दौड़ गई। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को लिखी इस चिट्ठी में शांता कुमार ने पार्टी की दरकती साख पर दर्द उड़ेल दिया है। पहला साल पूरा होते ही मानो ग्रहण लग गया है। राजस्थान और महाराष्ट्र में आरोपों और मध्य प्रदेश तक में व्यापम घोटाले की खबरों ने सिर शर्म से नीचा कर दिया है। बीजेपी कार्यकर्ता का सिर झुक गया है। मेरा सुझाव है कि आचार समिति बनाई जाए। ये समिति केंद्र और राज्य स्तर पर लोकपाल का काम करे। पार्टी की शानदार उपलब्धियों पर सिर गर्व से ऊंचा होता है, लेकिन जब कहीं कभी छींटे लगते हैं तो मन में पीड़ा व्यथा होती है। मैंने अपने मन की वेदना को पीड़ा को अपने अध्यक्ष महोदय को पत्र में लिखा है। शांता के इस अशांत खत के सामने आते ही बीजेपी हाईकमान ने अनुशासन की तलवार म्यान से निकाल ली। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने शांता कुमार से मुलाकात की और साफ कर दिया कि चिट्ठी लीक होने से हाईकमान नाराज हैं और मीडिया से दूर रहने में ही भलाई है। जो उन्होंने बयान दिया, ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस के दुष्प्रचार से पूरी तौर से प्रभावित हो गए हैं और पार्टी उनके इस राय से बिल्कुल असहमत है। हमारा ऐसा मानना है। शांता कुमार की चिट्ठी ने विपक्ष को सरकार पर हमला करने के लिए एक और हथियार दे दिया है। मतलब साफ है कि सरकार को विपक्ष से कम अपने ही नेताओं से खतरा ज्यादा है। कैमरामैन पिनाकी सेन के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक।